पाश्चात्य काव्य सिद्धांत के अंतर्गत आज हम अरस्तु के विरेचन सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और निम्न बिंदुओं के आधार पर हम इस का अध्ययन करेंगे। पहला, प्रस्तावना। फिर विरेचन शब्द का प्रयोग उन्होंने किस संदर्भ में किया और उसका क्या अर्थ है। विरेचन सिद्धांत की विविध व्याख्याएं। अलग अलग विद्वानों ने इस अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की व्याख्या की, जिसमें धर्मपरक व्याख्या, नीतिपरक व्याख्या, सौंदर्यपरक व्याख्या, संरचना परक व्याख्या, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद त्रासदी का सुखद प्रभाव क्या होता है। त्रासदी मतलब ट्रेजेडी और निष्कर्ष। इन बिंदुओं के आधार पर हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत अरस्तु के विरेचन सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे, हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इस तरह के वीडियोस बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि आप विभिन्न अवधारणाओं को भलीभांति समझ पाएंगे, साथ ही परीक्षा में एक मॉडल आंसर, आदर्श उत्तर लिख कर आ पाएंगे और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर भी दे पाएंगे। क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें, जो बातें परीक्षा में पूछी जाती हैं उनको इसमें शामिल करने का प्रयास करता हूँ। और मेरे पिछले वीडियोस को आपने जो प्यार दिया उसको मैं उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसके पहले मैंने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत और प्लेटो के काव्य सिद्धांत के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, उसके आप जाकर देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मैंने। प्रस्तावना। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में यूनानी विद्वान अरस्तु, जिनका समय काल है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे एक ओर तो प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे तो दूसरी ओर विश्व विजेता सिकंदर महान के गुरु होने का गौरव भी उन्हें प्राप्त है। वे प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 400 ग्रंथों की रचना की। बहुत विद्वान थे, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, लगभग 400 ग्रंथों की उन्होंने रचना की। विरेचन सिद्धांत, जिसका हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं, का उल्लेख उन्होंने केवल 2 बार किया है। एक उल्लेख त्रासदी की परिभाषा में और दूसरा उल्लेख राजनीति से संबद्ध ग्रंथ में संगीत के प्रभाव के संबंध में, मतलब संगीत का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, और त्रासदी ट्रेजडी का विवेचन करते हुए उन्होंने विरेचन शब्द की व्याख्या की है और उसका प्रयोग किया है सिर्फ 2 बार। इन्हीं के आधार पर हम अरस्तु के विरेचन सिद्धांत पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। इसके आधार पर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अरस्तु त्रासदी को सबसे श्रेष्ठ विधा मानते थे और इसकी श्रेष्ठता के कारणों में एक प्रमुख कारण यह रहा है कि यह दर्शकों के मन में करुणा और त्रास की भावनाओं को उकसाकर उनका विरेचन कर देती है। ट्रेजडी, त्रासदी मतलब होता है ट्रेजडी, यह नाटक का एक प्रकार है। त्रासदी ट्रेजडी जैसे हेमलेट है, तो इसको अरस्तु बहुत ही बेहतरीन विधा मानते थे। इसका कारण यह था कि ट्रेजडी को देखने के बाद, त्रासदी को देखने के बाद जो दर्शकों के मन में दुख और करुणा का भाव जागृत होता था, उनकी आंखों से आंसू निकल जाते थे और उनके मन में जो दुख, जो करुणा विद्यमान रहती थी, उसका विरेचन हो जाता था, वह दूर हो जाती थी। इससे दर्शक के उद्वेग शांत हो जाते हैं और उसके मनोभाव में संतुलन आ जाता है। यह स्थिति आनंददायक होती है। मतलब यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत दुख है ना, बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, और वह नाटक देखने जाता है, त्रासदी नाटक वह उसको देखता है, तो उसके मन में वह दुख और ज़्यादा उभर कर आता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और इस प्रकार वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद अंत में वह पूरी तरह से शांत हो जाता है, उसका दुख दूर हो जाता है, उसकी करुणा दूर हो जाती है। यह स्थिति आनंददायक होती है, इसीलिए माना गया है कि त्रासदी त्रास से पूर्ण होने के बावजूद अंतिम परिणति में आनंद प्रदान करती है। इस विरोधाभास को समझने के लिए पहले विरेचन की संकल्पना को समझना होगा। यहाँ त्रास शब्द का क्या अर्थ है? अनिष्ट का डर या भय, खौफ, कष्ट या तकलीफ। तो इस प्रकार उनका यह मानना था कि त्रासदी पूर्ण नाटकों को देखने से व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वह इतना दुखी हो जाता है कि उसके अंदर जो करुणा है, वह दुख है, वह बहकर बाहर निकल जाता है ना, उसका विरेचन हो जाता है। यही विरेचन है सरल शब्दों में। विरेचन शब्द का प्रयोग,
ग्रेचियन शब्द का प्रयोग उन्होंने कैसे किया है? ग्रीक भाषा का कैथार्सिस शब्द मूलतः चिकित्सा शास्त्र का शब्द है और उसका बहुप्रचलित हिंदी अनुवाद विरेचन भी वैद्यकी से जुड़ा हुआ है। इसका हिंदी अनुवाद क्या होता है? विरेचन। कैथार्सिस ग्रीक भाषा का शब्द है और यह मेडिकल साइंस से संबंधित है। इसका हिंदी में इसको हम कहते हैं विरेचन। यह भी मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ शब्द है। इसका अर्थ है उपयुक्त औषधि के प्रयोग द्वारा शरीर के विकारों या अस्वास्थ्यकर तत्वों से मुक्त करके राहत प्रदान करना। उदाहरण के लिए कब्ज की चिकित्सा भी विरेचन के अंतर्गत आती है। मतलब दवाइयों के द्वारा हमको कोई दवाई दी जाती है, उसके द्वारा हमें हमारे शरीर की जो गंदगी है, जो विकार है, वह दूर हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को कब्ज नहीं हुआ बहुत दिन से, उसको दवाई दे दी जाती है तो वह उसका दूर हो जाता है। तो कब्ज की चिकित्सा भी विरेचन के अंतर्गत आती है। मतलब किसी व्यक्ति को दवाई देकर उसके शरीर की गंदगी को बाहर निकालना, मेडिकल साइंस में इसे कहते हैं विरेचन और यूनानी भाषा में कहा जाता है कैथार्सिस। परंपरा से वैद्यकी करने वाले परिवार में जन्म लेने के कारण अरस्तु इस शब्द और इसके सटीक अर्थ से भली भांति परिचित रहे होंगे। काव्य शास्त्र के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले उन्होंने ही किया। मतलब उनका परिवार जो है वह चिकित्सा से जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्हें इस शब्द का अर्थ बहुत भली भांति मालूम था। लेकिन काव्य शास्त्र में सबसे पहले कैथार्सिस शब्द का प्रयोग अरस्तु ने ही किया। इस शब्द से उनका ठीक ठीक आशय क्या था, इसकी अलग से स्पष्ट व्याख्या आज उपलब्ध नहीं है। उन्होंने केवल दो बार इस शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इस शब्द से उनका आशय क्या था, उनका अर्थ क्या था, इसकी स्पष्ट व्याख्या आज उपलब्ध नहीं है। हालांकि एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि काव्य का विवेचन करते समय वे इस अवधारणा का प्रतिपादन कर चुके हैं, पर वे पृष्ठ आज संभवतः नष्ट हो चुके हैं। आज उनके विवेचन में विरेचन का उल्लेख दो स्थानों पर मिलता है। हालांकि उन्होंने लिखा है कि काव्य की व्याख्या करते हुए, काव्य का विवेचन करते हुए उन्होंने इस अवधारणा को स्पष्ट किया है, लेकिन वह किताब या वह पृष्ठ आज उपलब्ध नहीं है। मुख्य रूप से उन्होंने विरेचन शब्द का उल्लेख दो जगहों पर किया है। एक उल्लेख त्रासदी की परिभाषा में, जब उन्होंने त्रासदी को परिभाषित किया, ट्रेजिडी को, तब उन्होंने विरेचन शब्द का प्रयोग किया था। और दूसरा उल्लेख राजनीति से संबद्ध ग्रंथ में संगीत के प्रभाव के संबंध में। एक उन्होंने राजनीति से संबंधित ग्रंथ लिखा, पॉलिटिक्स, उसमें हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में संगीत का क्या प्रभाव पड़ता है, उस समय भी उन्होंने विरेचन शब्द का प्रयोग किया। त्रासदी की परिभाषा में अरस्तु ने करुणा तथा त्रास के उद्रेक मतलब प्रचुरता द्वारा इन मनोविकारों के उचित विरेचन को त्रासदी का प्रकार माना था। प्रकार मतलब फंक्शन या कार्य। जब उन्होंने त्रासदी का विवेचन किया तो अरस्तु का कहना था कि जब हम ट्रेजडी देखते हैं, त्रासदी देखते हैं, नाटक देखते हैं, त्रासदीपूर्ण नाटक, तो करुणा और त्रास की जो भावना है वह अपने चरम पर पहुंच जाती है और इन मनोविकारों का विरेचन हो जाता है, यह दूर हो जाते हैं। यह त्रासदी का मुख्य कार्य है कि हमारे मन से करुणा और त्रास को दूर करना। त्रासदी के तमाम विवेचन में इसकी व्याख्या या इससे संबद्ध और कोई बात नहीं मिलती, और कोई बात उन्होंने नहीं कही है। इस स्थिति में अनुकरण की भांति विरेचन की अवधारणा की भी भिन्न भिन्न विचारकों ने अपने अपने नजरिए से व्याख्या की है। इसलिए जो अनुकरण की भांति जो अरस्तु के विरेचन सिद्धांत हैं, उसको भी अलग अलग विद्वानों ने अपने समझ के हिसाब से उनकी व्याख्या की है, उसको समझाने का प्रयास किया है। त्रासदी के संदर्भ में विरेचन का केवल नामोल्लेख है ना, त्रासदी में उन्होंने केवल विरेचन का उल्लेख बस किया है, किंतु संगीत के संदर्भ में बात इससे कुछ अधिक स्पष्ट हुई और उसी से सूत्र लेकर विद्वानों ने इस संकल्पना को समझने समझाने की कोशिश की है। त्रासदी की परिभाषा करते हुए उन्होंने केवल एक जगह इसका उल्लेख किया, लेकिन जब उन्होंने संगीत का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है इसकी जब व्याख्या कर रहे थे, इसी संकल्पना को लेकर विद्वानों ने अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की व्याख्या करने का प्रयास किया है। अरस्तु का क्या कहना था संगीत के संबंध में? अरस्तु का कहना है कि करुणा तथा त्रास अथवा आवेश, मतलब जोश, गुस्सा, प्रेत बाधा, कुछ व्यक्तियों में बड़े प्रबल होते हैं, किंतु देखा जाता है कि धार्मिक रागों के प्रभाव से वे शांत हो जाते हैं, मानो उनके आवेश का शमन और विरेचन हो गया। अरस्तु का काव्यशास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की जो किताब है अरस्तु का काव्यशास्त्र। तो अरस्तु का क्या मानना है? कुछ व्यक्तियों में जो करुणा और त्रास या आवेश की जो भावना होती है, जो फीलिंग्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रबल होते हैं, और जब वो धार्मिक संगीत सुनते हैं, है ना, धार्मिक राग सुनते हैं, धार्मिक संगीत सुनते हैं, तो उनका शमन हो जाता है, वे शांत हो जाते हैं,
बहुत दूर हो जाता है। डॉक्टर नगेंद्र का यह कहना है, इसका अर्थ हुआ कि जिनका मन त्रासदायक भावों के कारण उद्विग्न हो वह संगीत सुनकर शांत हो जाते हैं, उनके आवेग का उफान बैठ जाता है। मतलब जिनके जीवन में बहुत ज्यादा त्रास है, कष्ट है, पीड़ा है, और जब वे संगीत सुनते हैं तो संगीत का असर क्या होता है, उनका मन शांत हो जाता है। इस शमन अर्थात शांत हो जाने की स्थिति के साथ ही अरस्तु ने विरेचन शब्द का भी प्रयोग किया है, अर्थात उनका विरेचन हो जाता है। जो त्रास और जो करुणा है, संगीत सुनकर उनका विरेचन दूर हो जाता है, वे दूर हो जाते हैं। चिकित्सा शास्त्र के इस शब्द के इस लाक्षणिक प्रयोग से उनका आशय प्रतीत होता है कि जिस प्रकार रेचक औषधि के प्रभाव से शरीर के अस्वास्थ्यकर तत्व दूर हो जाते हैं और व्यक्ति राहत महसूस करता है, उसी प्रकार धार्मिक रागों को सुनकर व्यक्ति के मन के विकार दूर हो जाते हैं और वह शांति का अनुभव करता है। तो उनका कहना यह है कि जिस प्रकार जो रेचक औषधि है, रेचक औषधि जब शरीर में जब किसी को डाला जाता है या उसको दिया जाता है रेचक औषधि, तो उसके शरीर की जो गंदगी है वह दूर हो जाती है, उनका विरोचन हो जाता है और उसका शरीर निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, मतलब अंदर उसका शरीर स्वच्छ हो जाता है। उसी तरह जो व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज्यादा करुणा है, त्रास है, आवेश है, जब वह धार्मिक संगीत को सुनता है, धार्मिक रागों को सुनता है, तो उसके मन के विकार दूर हो जाते हैं और वह शांति का अनुभव करता है। जैसे जब आप भजन सुनते हैं, जब आप भजन सुनते हैं तो आपको असीम शांति का अनुभव होता है। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं या किसी दूसरे जो धर्मों के जो हैं उपासना स्थल है वहां पर जाते हैं, मंदिर मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या कहीं भी है ना, चर्च हो, वहां पर जाते हैं, जो वहां संगीत बजाई जाती है, तो उसका प्रभाव यह होता है कि हमारा मन बहुत ज्यादा शांत हो जाता है। तो यह ऐसा ही है, अरस्तु का यह मानना है। यह अनुमान इस बात से भी पुष्ट होता है कि अरस्तु ने करुणा और त्रास से आविष्ट आवेश युक्त या वशीकृत व्यक्तियों के एक प्रकार की शुद्धि का अनुभव करने की बात कही है। इस शुद्धि की भावना को रेचक औषधियों द्वारा शरीर की शुद्धि या विकार मुक्ति के संदर्भ में देखा जा सकता है। वही बात जो ऊपर कही गई है कि जब व्यक्ति धार्मिक संगीत को सुनता है, धार्मिक रागों को सुनता है, तो उसके अंदर में जो करुणा है, जो त्रास है, जो आवेश है, जो उद्वेग है, वह दूर हो जाता है, उनका विरेचन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जब हमारे शरीर में रेचक औषधि जाती है तो शरीर की गंदगी दूर हो जाती है, शरीर शुद्ध हो जाता है, विकार से मुक्त हो जाता है, बीमारी से मुक्त हो जाता है और शांत हो जाता है। संगीत के संदर्भ में अरस्तु के मत को देखते हुए यह मानना संगत होगा कि त्रासदी के संदर्भ में भी उन्होंने विरेचन का इसी अर्थ में प्रयोग किया होगा, अर्थात जिस प्रकार उन्होंने संगीत के माध्यम से विरेचन की बात की है, ठीक इसी प्रकार हो सकता है उन्होंने त्रासदी के संबंध में भी विरेचन का यही अर्थ लिया होगा। अर्थात त्रासदी मतलब ट्रेजडी भी दर्शक या पाठक के मन में उमड़ते करुणा तथा त्रास के भावों को शमन कर देती है और उन्हें इन विकारों से मुक्त कर देती है। इस विषय में प्रवर्ती साहित्य शास्त्र में लंबा विचार विमर्श चला है, आगे हम उन सबका संक्षेप में अध्ययन करेंगे। अर्थात त्रासदी, त्रासदी का मतलब है जब कोई ट्रेजडी वाला आप नाटक देख रहे हैं, उस नाटक का जो नायक है वह बहुत दुखी है, पीड़ा से ग्रस्त है, उसको देखकर दर्शकों के मन में भी पीड़ा का भाव उत्पन्न होता है, उसका साधारणीकरण हो जाता है ना। भारतीय काव्य शास्त्र में जिसको कहा जाता है साधारणीकरण, मतलब नायक की पीड़ा को, नायक के दुख को महसूस करके दर्शक भी बहुत दुखी हो जाते हैं, उनके मन में करुणा और त्रास की भावना उत्पन्न होती है और वह बहुत चरम स्थिति तक पहुंच जाती है और फिर उनका विरेचन हो जाता है, वे बहुत दुखी हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस प्रकार उनके मन में जो करुणा और त्रास का जब विरेचन हो जाता है तब उन्हें असीम शांति महसूस होती है। अब इसकी विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से जो व्याख्या की है उसका हम अध्ययन करेंगे। विरेचन सिद्धांत की विविध व्याख्याएं, जब भी कोई सिद्धांत आता है तब विभिन्न विद्वान अपने अपने ज्ञान के हिसाब से और अपने अपने मत के हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं, मतलब अलग अलग परंपरा के जो विद्वान होते हैं वो अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं। तो विरेचन सिद्धांत की भी अलग अलग विद्वानों ने व्याख्या की है, कैसे की है देखते हैं। यह प्रश्न हमारे मन में उठता है कि त्रासदी में तो वैसे ही त्रास कर भावों की योजना होती है, वह भला दर्शक या पाठक के अंतर में स्थित त्रास का शमन अथवा विरेचन कैसे कर सकती है। मतलब यह प्रश्न हमारे मन में उठता है कि जो दर्शक जो त्रासदी जो देखने गया है ना, त्रासदी में तो पहले से ही दुख है, पीड़ा है, उसको देखकर दर्शक या पाठक के मन की दुख या पीड़ा कैसे दूर हो सकती है, उनका कैसे विरेचन हो सकता है। विद्वानों ने इस बात का उत्तर भी विरेचन सिद्धांत की व्याख्या के माध्यम से देने की चेष्टा की है। तो विद्वानों ने इसका उत्तर विरेचन सिद्धांत के माध्यम से देने का प्रयास किया है। परवर्ती साहित्य शास्त्र में इस विषय से संबंधित चार प्रकार की व्याख्याएं मिलती है।
मतलब बाद में जो साहित्य शास्त्र ने जो जन्म लिया आलोचना ने, काव्य शास्त्र ने, पाश्चात्य काव्य शास्त्र ने, तो विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इसकी व्याख्या की अरस्तु के विवेचन सिद्धांत की। पहली है धर्म परक व्याख्या, धार्मिक दृष्टिकोण से व्याख्या की गई। नीति परक ढंग से इसकी व्याख्या की गई। सौंदर्य परक ढंग से इसकी व्याख्या की गई। और संरचना परक ढंग से इसकी व्याख्या की गई। अब इन विविध व्याख्याओं पर विचार करते हुए हम विरेचन के अर्थ और प्रकार को समझने की कोशिश करें। प्रकार मतलब था फंक्शन, विरेचन का अर्थ मीनिंग, विरेचन का मीनिंग, और प्रकार मतलब कार्य या फंक्शन। प्रकार बोलते हैं मतलब कार्य या फंक्शन। धर्म परक व्याख्या, धार्मिक दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या कैसे की गई। यह विरेचन की सर्वप्रथम व्याख्या है। विरेचन की सबसे पहले व्याख्या की गई धर्म परक व्याख्या, और इसके सूत्र अरस्तु के धार्मिक रागों से संबद्ध कथन से उठाए गए हैं। अरस्तु ने ध्यान दिलाया कि कुछ लोगों में करुणा और त्रास का आवेग बहुत प्रबल होता है, किंतु धार्मिक रागों के प्रभाव से वे शांत हो जाते हैं, मानो उनके आवेश का समन और विरेचन हो गया। कुछ व्यक्तियों में करुणा और त्रास की भावना बहुत ज्यादा होती है, किंतु जब वो धार्मिक राग सुनते हैं तब उनके मन से करुणा और त्रास का विरेचन हो जाता है, उनका शमन हो जाता है, वे शांत हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अरस्तु ने एक और धार्मिक प्रक्रिया का उल्लेख किया है। उन्होंने एक और बात बताई धार्मिक दृष्टिकोण से। हम जानते हैं कि धार्मिक आवेश में कुछ लोग हाल की स्थिति में आ जाते हैं, अर्थात उनका आवेश उन्माद किसी स्थिति में पहुंच जाता है, जहां उन्हें अपनी या संसार की शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। अरस्तु ने ध्यान दिलाया कि यूनान में ऐसे व्यक्तियों को उद्दाम संगीत सुनाया जाता था, जिससे उनके आवेश का समन हो जाता था। अब हाल का मतलब क्या है? हाल का अर्थ है भावा विष्ठावस्था, अर्थात वह अवस्था जब ईश्वर की दया से साधक के हृदय पर मस्ती छा जाती है। इस अवस्था को हाल की अवस्था कहते हैं। मतलब कुछ व्यक्ति ईश्वर के प्रति इतने समर्पित हो जाते हैं, है ना, इतना समर्पण कर देते हैं भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, कि वे अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं, हाल की अवस्था में आ जाते हैं, उन्हें अपना कोई होश नहीं रहता, उन्माद की अवस्था में आ जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वे पागल हो गए हैं। लेकिन जब इनको धार्मिक संगीत सुनाया जाता है, धार्मिक राग सुनाया जाता है, तब वे बहुत ज्यादा शांत हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के यूनान में उद्दाम संगीत, श्रेष्ठ संगीत, महान संगीत सुनाया जाता था, धार्मिक संगीत सुनाया जाता था, और उसके पश्चात उनके आवेग का शमन हो जाता था, वे बहुत ही शांत हो जाते थे, सहज स्थिति में आ जाते थे। तो इसको बोलते हैं हाल की अवस्था, जब व्यक्ति पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, उसे कुछ खुद का होश नहीं रहता। ऐसे व्यक्तियों को शांत करने के लिए यूनान में उद्दाम संगीत, धार्मिक राग सुनाया जाता था। ये दोनों ही स्थितियां ऐसी हैं जहां बाह्य अर्थात संगीत के प्रभाव से व्यक्ति के आंतरिक उद्वेग या आवेश को शांत करने की चेष्टा की जाती थी। अरस्तु के मतानुसार यह शांति विरेचन के माध्यम से होती थी। अरस्तु का कहना यह है कि बाहर से यह जो उद्दाम संगीत सुनाया जाता था, धार्मिक संगीत सुनाया जाता था, इससे व्यक्ति के मन में जो उद्वेग है, आंतरिक उद्वेग है, करुणा है, त्रास है, इसका शमन हो जाता था, उसका आवेग शांत हो जाता था, और यह विरेचन के माध्यम से होता था। प्रोफेसर गिलबर्ट मरे जैसे कुछ विद्वानों ने माना है कि त्रासदी के संदर्भ में भी विरेचन से अरस्तु का यही तात्पर्य था, अर्थात दर्शकों के मन में करुणा तथा त्रास की भावनाएं पहले से ही होती हैं। उद्दाम संगीत की भांति त्रासदी की उद्वेग की स्थितियां भी दर्शक पाठक के अंतर में निहित इन भावों को उत्तेजित करके फिर शांत कर देती है और मन को संतुलन की अवस्था में ले आती है। प्रोफेसर गिलबर्ट मरे नाम के जो विद्वान है, जिन्होंने इसकी धार्मिक व्याख्या की, उनका कहना यह है कि त्रासदी के संबंध में भी अरस्तु की यही धारणा थी कि व्यक्ति के मन में पहले से त्रास और करुणा विद्यमान है, और जब वह ट्रेजिडी देखता है, त्रासदी पूर्ण नाटक देखता है, तो यह भावनाएं और ज्यादा प्रबल हो जाती हैं, और प्रबल होने के बाद में उनका क्या है, विरोचन हो जाता है, यह शांत हो जाता है, वे दूर हो जाती हैं, ऐसी भावनाएं दूर हो जाती हैं, आंसुओं के रूप में उनके दिल की करुणा और त्रास बाहर निकल जाती है। तो इसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि विरोचन हो गया, दुख का विरोचन हो गया। अरस्तु के मत की धर्मपरक व्याख्या के पीछे दो मुख्य कारण है। पहला, अरस्तु द्वारा विरेचन शब्द का प्रयोग इन्हीं दो संदर्भों में मिलता है, त्रासदी तथा धार्मिक संगीत, है ना। त्रासदी की व्याख्या करते समय, त्रासदी को परिभाषित करते समय उन्होंने विरेचन की का शब्द का उल्लेख किया, कैथारसिस का, और दूसरा धार्मिक संगीत से संबंधित विषयों की चर्चा करते समय उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। दूसरा है, त्रासदी तथा धार्मिक परंपरा का बहुत संबंध बहुत पुराना है। यूरोप में नाटक का जन्म धार्मिक या अधार्मिक उत्सवों से ही हुआ है।
मतलब त्रासदी का संबंध और धार्मिक परंपरा का संबंध यूनान में बहुत पुराना है। और नाटक का जन्म भी यूरोप में किससे हुआ है? धार्मिक या अधार्मिक उत्सवों के माध्यम से ही नाटक का जन्म हुआ था यूरोप में। इस व्याख्या की आलोचना में यह कहा जाता है कि त्रासदी के दर्शकों, पाठकों तथा धार्मिक संगीत के श्रोताओं में एक मौलिक अंतर होता है। क्या मौलिक अंतर होता है? धार्मिक राग के श्रोताओं पर करुणा और त्रास का आवेश पहले से ही छाया रहता है या फिर हाल की स्थिति में रहते हैं। मतलब धार्मिक संगीत सुनने वाले जो श्रोता होते हैं, वे जब धार्मिक संगीत सुनने के पहले ही वे हाल की अवस्था में रहते हैं, अपना सुध बुध खो बैठते हैं, अर्थात उनमें करुणा और त्रास का जो आवेश बहुत ज्यादा रहता है पहले से ही, उस धार्मिक संगीत को सुनने से पहले ही, अर्थात राग सुनना आरंभ करते समय उनकी मना स्थिति सामान्य नहीं होती, किंतु त्रासदी के दर्शक या पाठक इस प्रकार आवेश स्थिति में नहीं होते। अतः दोनों को एक श्रेणी में रखना और इस आधार पर त्रासदी में विरेचन की व्याख्या करना उचित नहीं है। इसकी आलोचना की गई है कि यह जो व्याख्या की गई है, व्याख्या गलत है, क्योंकि जो धार्मिक संगीत सुनने वाला जो श्रोता है वह पहले से हाल की अवस्था में रहता है, उन्माद की अवस्था में रहता है, लेकिन जो ट्रेजिडी देखने वाला जो दर्शक है या जो पाठक है वह पहले शांत रहता है, उस अवस्था में नहीं रहता। मतलब उसमें करुणा या त्रास की मात्रा इतनी नहीं रहती कि वह बिल्कुल ही पागलपन की स्थिति में पहुंच जाए। अतः दोनों को एक श्रेणी में रखना और इस आधार पर विवेचन की व्याख्या करना गलत है, इनका मानना है इस आलोचना में। लेकिन फिर भी कुछ तथ्य हैं। किंतु अरस्तु ने संगीत और त्रासदी दोनों ही संदर्भ में करुणा तथा त्रास की भावनाओं तथा चर्चाधीन विधा द्वारा उनका विरेचन का उल्लेख किया है। मतलब अरस्तु ने संगीत का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है और त्रासदी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस दोनों ही संदर्भ में कहा है कि इन दोनों ही कार्यों में हमारी करुणा और त्रास का विरेचन हो जाता है। अतः इन्हें बिल्कुल भी असंबद्ध नहीं माना जा सकता कि ये बिल्कुल भी काम के नहीं है, बिल्कुल भी संबंधित नहीं है विरेचन से। और विरेचन की धर्मपरक व्याख्या में कुछ सार अवश्य है। मतलब विरेचन की जो धर्मपरक व्याख्या की गई है वह पूरी तरह से गलत नहीं है, कुछ हद तक वह सही है, कुछ ना कुछ तो सार उसमें अवश्य है। दूसरा है नीति परक व्याख्या। विरेचन की नीति परक व्याख्या इसे मनोविकारों से जोड़कर देखती है, मतलब हमारे मन की जो बीमारियां हैं, मन में जो कमजोरी है उसे जोड़कर देखती है। तो इसके जो मुख्य विद्वान क्यों हैं, कौन है नीति परक व्याख्या के? जर्मन विद्वान बार्नेज ने इस व्याख्या का प्रतिपादन करते हुए माना कि मानव के मन में अनेक मनोविकार होते हैं। वे इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि मनुष्य के मन में बहुत सारे विकार होते हैं। इनमें से करुणा विकार मतलब क्या होता है? कमी, कमजोरी, बीमारी। इनमें से करुणा और त्रास बड़े दुखदायी होते हैं। करुणा और त्रास क्या होते हैं? बहुत ही दुखदायी होते हैं। मानव यदि इनका निरंतर दमन करते रहे तो यह ग्रंथि बनकर उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ कर देते हैं, किंतु जीवन में इनकी खुलकर अभिव्यक्ति करने का अवसर उसे नहीं मिलता। त्रासदी में परिस्थितियों की ऐसी योजना होती है जिनमें ये मनोवेग बड़े अतिरंडित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। उनका मानना यह है कि कोई व्यक्ति हमेशा दुख में है, कष्ट में है, उसी के बारे में सोच रहा है तो वह डिप्रेशन में चले जाएगा, अवसादग्रस्त हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, मानसिक रूप से बीमार हो जाएगा। और यदि उसे जीवन में इसे खुलकर अभिव्यक्त करने का मौका नहीं मिलता, अपनी दुख को, अपनी पीड़ा को, अपनी करुणा को, त्रास को अभिव्यक्त करने का यदि उसे मौका नहीं मिलता, तो यह उसमें कुंठा का रूप धारण कर लेता है, अवसाद का रूप धारण कर लेता है, मनोविकार को जन्म देता है, मानसिक बीमारियों को जन्म देता है। लेकिन त्रासदी में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं कि जिनमें ऐसे जो मनोभाव हैं बड़े अतिरंडित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रबल रूप में वहां प्रस्तुत किए जाते हैं त्रासदी में इन सब भावनाओं को। तो दर्शक या पाठक उन दृश्यों का भावन करते समय स्वयं को भी उन्हीं स्थितियों से गुजरता हुआ महसूस करता है और उसके मन में करुणा तथा त्रास के भाव तीव्र हो उठते हैं। यहां उसे उन्हें छुपाकर या दमित करके रखने की आवश्यकता नहीं होती। तीव्र उद्वेलन के बाद ये भाव शमित हो जाते हैं, उसे मन में शांति और विशुद्धता, स्वच्छता, निर्मलता का अनुभव होता है और साथ ही मनोविकारों के शांत हो जाने के कारण आत्मिक शुद्धि का भी अनुभव होता है। तो इनका मानना यह है, बार्नेज का मानना यह है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेजिडी देखने आता है, त्रासदी नाटक देखने आता है, तो उसके मन में जो करुणा या त्रास की जो भावनाएं बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है। उसका जो नायक है, उसके जीवन में जो दुख या करुणा है, उसके साथ उसका साधारणीकरण हो जाता है। तो उसको, उसके मन में जो दुख है, जो पीड़ा है, त्रास है, उसको छुपाकर रखने की आवश्यकता नहीं होती। वह महसूस करता है कि वह स्वयं नायक है और वह उसी दुख या पीड़ा को भोग रहा है। तो जब वे चरम स्थिति पर पहुंच जाते हैं तब उसे छुपा कर या दमित करके रखने की आवश्यकता नहीं होती। और तीव्र उद्वेलन जब उसके मन में ये भाव बहुत प्रबल रूप धारण कर लेते हैं, तब कुछ समय के पश्चात
उसे क्या होता है, मन में शांति का अनुभव होता है और उसे स्वच्छता और निर्मलता का अनुभव होता है। उसके मनोविकार शांत हो जाते हैं और उसे आत्मिक शुद्धि का अनुभव होता है, उसका मन शांत हो जाता है। उसका मन सहजता तथा संतुलन पा लेता है, अर्थात त्रासदी के प्रभाव से पहले उसके मन में घुमरते दुखद भाव उत्तेजित हो उठते हैं और फिर यह उफान शांत होकर मानसिक विशेषता शुद्धि और संतुलन में बदल जाता है। यही प्रक्रिया विरचन है। मतलब त्रासदी के पहले उसके मन में जो भाव रहते हैं, त्रास और जो दुख और कष्ट और पीड़ा, वो क्या है, वो चरम स्थिति पर पहुंच जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और उसके पश्चात वो उसका मन शांत हो जाता है। जैसे तूफान आने के बाद जो शांति होती है, एक तेज तूफान आया, सब कुछ उठा उड़ाकर बहा कर लेकर चला गया, उसके बाद तूफान के गुजर जाने के बाद जो शांति होती है, जो सन्नाटा होता है, वैसा उसको महसूस होता है। लेकिन यहाँ पर उसको क्या है, शुद्धता, मानसिक शुद्धता और शुद्धि और संतुलन का अनुभव होता है और यही प्रक्रिया विरेचन है। चिकित्सा शास्त्र में रेचक औषधियों के प्रयोग द्वारा जो विरेचन होता है वह शरीर के विकारों को शांत करके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है। हम देख चुके हैं चिकित्सा शास्त्र में जो रेचक औषधि दी जाती है उससे हमारे शरीर की गंदगी साफ हो जाती है, शरीर की बीमारी दूर हो जाती है, शरीर के विकार दूर हो जाते हैं और शरीर स्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार त्रासदी मानसिक स्तर पर विकारों का विरेचन करके दर्शक पाठक को मानसिक स्वास्थ्य तथा संतुलन प्रदान करती है। ठीक इसी प्रकार जब कोई दर्शक त्रासदी देखता है तो उसके मानसिक स्तर पर जो विकार हैं, जो मानसिक विकार हैं, वह दूर हो जाते हैं और इससे दर्शक या पाठक को मानसिक रूप से स्वास्थ्य लाभ होता है और उसके जीवन में मन में संतुलन आता है। जैसे फ्रायड जैसे यहाँ पर फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, तो उसे आप जरूर जाकर देखें, यहाँ पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका भी दे दिया हुआ है। यदि आपने फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण पद्धति का अध्ययन किया है तो आप समझ जाएंगे कि बार्नेज की यह व्याख्या फ्रायड के सिद्धांत से मेल खाती है। फ्रायड का मत था कि व्यक्ति की दमित इच्छाएं उसके अवचेतन में ग्रंथियां बन जाती हैं और मनोरोगों को जन्म देती है। विशिष्ट मनोवैज्ञानिक उपचार द्वारा वह इन ग्रंथियों से मुक्त होकर स्वस्थ और संतुलित हो जाता है। फ्रायड का यह मानना है कि व्यक्ति के मन में जो दमित इच्छाएं हैं, जो दबी हुई भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, यदि उन्हें बाहर आने का मौका नहीं मिलता तो ये कुंठा का रूप धारण कर लेती हैं, उनके मन में ग्रंथियां बन जाती हैं, कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है जिसके कारण व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। लेकिन विशिष्ट मनोवैज्ञानिक उपचार के द्वारा जब उनका उपचार किया जाता है, चिकित्सा की जाती है, तब वह इन ग्रंथियों से मुक्त होकर संतुलित हो जाता है। तो ये जो नीतिपरक जो व्याख्या है यह फ्रायड के सिद्धांत से मेल खाता है। हम मान सकते हैं कि बार्नेज व्यक्ति के मानस पर त्रासदी के प्रभाव को मनोचिकित्सा के प्रभाव की श्रेणी में रखकर देख रहे थे। इस प्रकार बार्नेज व्यक्ति के मन में जो त्रासदी का प्रभाव पड़ता है उसको मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देख रहे थे। विरेचन की यह व्याख्या भी धर्मपरक व्याख्या से बहुत भिन्न नहीं है। धर्मपरक व्याख्या में भी यही रहता है कि व्यक्ति उन्माद की अवस्था में रहता है, धार्मिक संगीत सुनता है तो वह ठीक हो जाता है। किंतु ध्यान दें कि यह आधुनिक युग में मनोविज्ञान की प्रगति से जुड़ी हुई व्याख्या है। आज हम त्रासदी के प्रभाव को इस संकल्पना से जोड़कर समझें तो संगत लगता है, पर प्रश्न यह है कि क्या अरस्तु भी मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण शास्त्र की इन गहराइयों से परिचित थे या हमने आज की संकल्पनाएं ईसा पूर्व चौथी सदी पर आरोपित कर दिए। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, क्या अरस्तु को भी मनोविज्ञान का ज्ञान था और अरस्तु ने मनोविज्ञान के आधार पर विरेचन सिद्धांत की व्याख्या कर की थी त्रासदी के संदर्भ, या फिर हम आज के सिद्धांत को, आज हमारा जो मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है फ्रायड का, इसको हम उनके ऊपर आरोपित कर रहे हैं सिर्फ व्याख्या करने के लिए। धर्मपरक और नीतिपरक व्याख्याएं विरेचन को दर्शक पाठक के मनोविज्ञान, मानसिक उद्वेग और उसके श्रमण से प्राप्त संतुलन से जोड़कर ही देखती हैं। इस प्रकार हमने दो प्रकार की व्याख्याएं देखी, धर्मपरक व्याख्या और नीतिपरक व्याख्या। अरे दोनों ही व्याख्याएं मनोविज्ञान से संबंधित हैं। मानसिक उद्वेग और उसकी शांति के पश्चात व्यक्ति के मन में जो संतुलन आता है, जो शांति आती है, उसी से जोड़कर इसको देखा जाता है। त्रासदी को कला या साहित्य की एक विधा के रूप में देखते हुए उसमें विरेचन के स्थानीय महत्व का विवेचन यह व्याख्याएं नहीं करती। इनके विपरीत कलापरक व्याख्या त्रासदी को केंद्र में रखती है। तो कुल मिलाकर यह होगा कि अभी हमने इस कला के संबंध में कोई बात ही नहीं की कि त्रासदी भी साहित्य का एक प्रकार है, साहित्य की एक विधा है, उसमें विरेचन का हमने इस प्रकार उल्लेख नहीं किया, इसका व्याख्या इस प्रकार इसमें नहीं किया गया। ऊपर हमने नीतिपरक व्याख्या देखी, धर्मपरक व्याख्या देखी, इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया कि त्रासदी साहित्य की एक विधा है और उसमें विरेचन का क्या महत्व है।
इस प्रकार यह इसकी व्याख्या नहीं कर रही है। इनके विपरीत कलापरक व्याख्या त्रासदी को केंद्र में रखती है, लेकिन जो कलापरक व्याख्या है वह त्रासदी को केंद्र में रखती है। अब हम सौंदर्य परक व्याख्या देखते हैं। सौंदर्य परक दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या, कला पर बल देने वाले सिद्धांत रूपवाद, कलावाद आदि हमेशा कृति को ही अपने विवेचन का केंद्र बनाते हैं, बाह्य तत्वों को नहीं। तो यह सौंदर्य परक व्याख्या यह क्या है, कलापरक व्याख्या है, कृति को हमेशा केंद्र में रखते हैं। विरेचन की कलापरक व्याख्या में भी विरेचन को मूलतः प्रेक्षक या पाठक पर पड़ने वाले प्रभाव की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक कलागत व्यापार के रूप में देखा गया है। सौंदर्य परक व्याख्या के अंतर्गत त्रासदी का है ना है? मतलब विरेचन का मूलतः प्रेक्षक या पाठक पर, मतलब जो दर्शक है या पाठक है उस पर त्रासदी का क्या प्रभाव पड़ा, इसके दृष्टिकोण से नहीं देखा गया सौंदर्य परक व्याख्या में। इसमें यह देखा गया कि यह एक कला है, एक आर्ट है ना, साहित्य है। स्वच्छंदतावादी आलोचकों के विवेचन में इस कला परक व्याख्या के संकेत मिलने लगे थे, किंतु इसके प्रमुख प्रतिपादक प्रोफेसर बूचर माने जाते हैं। स्वच्छंदतावादी मतलब रोमांटिक क्रिटिसिज्म, ये लोग भी इसकी आलोचना कर रहे थे कलापरक दृष्टिकोण से, सौंदर्य परक दृष्टिकोण से, लेकिन वास्तव में इसके मूल व्याख्याता क्यों है, सबसे महत्वपूर्ण कौन है, प्रमुख प्रतिपादक प्रोफेसर बूचर माने जाते हैं। प्रोफेसर बूचर ने अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की सौंदर्य परक व्याख्या की, जिसमें कला को साहित्य को अधिक महत्व दिया गया। दर्शक पर या प्रेक्षक पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, पाठक पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका कोई लेने देना नहीं है। पिछली दो व्याख्या में विरेचन को वह प्रक्रिया माना गया था जो त्रासदी में आयोजित करना तथा त्रास की स्थितियों के माध्यम से दर्शक पाठक के मन में निहित इन भावों को उद्वेलित करके शांत करती है और उसके मन को स्थिर तथा संतुलित दशा में ले आती है। पिछली जो दो व्याख्या थी, नीति परक व्याख्या और धर्म परक व्याख्या, उसमें मनोविश्लेषण के आधार पर विरेचन सिद्धांत की व्याख्या की गई थी कि मनुष्य के मन में जो करुणा और जो त्रास है वह किस प्रकार शांत होता है, त्रासदी के माध्यम से और धार्मिक संगीत के माध्यम से। लेकिन बूचर ने इस बात का विरोध नहीं किया, बल्कि इसे विरेचन की चर्चा का केवल पहला पक्ष माना। बूचर ने कहा कि यह विरेचन की व्याख्या का केवल पहला भाग है, इसका दूसरा पहलू भी है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार उनकी दृष्टि में यह विरेचन प्रक्रिया का अभावात्मक पक्ष है, क्योंकि यह करुणा और त्रास का शमन करता है। मतलब बूचर, डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि बूचर ने भी केवल, बूचर का कहना यह था कि यह इसका अभावात्मक पक्ष है, मतलब सिर्फ एक ही प्रकार की बात बता रहा है कि सिर्फ यह करुणा और त्रास का शमन करता है। तो दूसरा भाग क्या है, बूचर के अनुसार त्रासदी का कार्य केवल करुणा या त्रास के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि इन्हें एक सुनिश्चित कलात्मक परितोष मतलब इच्छा पूर्ति से होने वाली प्रसन्नता संतोष प्रदान करना है, इन्हें कला के माध्यम में ढालकर परिष्कृत तथा स्पष्ट करना है। तो बूचर के अनुसार विरेचन सिद्धांत के दो प्रकार से उन्होंने व्याख्या किए। पहला, त्रासदी का कार्य केवल यह नहीं है कि वह करुणा और त्रास के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम ही प्रस्तुत करे, कि लोगों के करुणा और त्रास को दूर करने का वह माध्यम बने, केवल यह इसका कार्य नहीं है, बल्कि यह क्या है, बल्कि कला के माध्यम से कलाकार को भी संतोष प्राप्त हो, है ना, कला के माध्यम से ढालकर परिष्कृत तथा स्पष्ट करना है। कलात्मक परितोष क्या होता है, किसी कलाकार को कला की पूर्णता पे मिलने वाला जो संतोष है। जैसे किसी नाटककार ने नाटक लिखा और उसका जब मंचन होता है तो उस मंचन से मिलने वाली जो खुशी है, जो उसको परिपूर्ण, उसको पूर्णता प्रदान करती है, वह संतोष भी प्राप्त होना चाहिए। बूचर का यह मानना है त्रासदी के दो कार्य हैं, पहला करुणा और त्रास का दमन करना और दूसरा कलात्मक परितोष, मतलब कला का जो संपादन है, कला की पूर्णता से मिलने वाले जो संतोष है वह भी प्राप्त होना चाहिए, इन्हें कला के माध्यम से ढाल कर परिष्कृत तथा स्पष्ट करना है, है ना, कला के माध्यम से त्रासदी और करुणा को स्पष्ट भी करना है, कला को पूर्णता तक भी पहुंचाना है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि बूचर के अनुसार करुणा तथा त्रासदी की अभिव्यक्ति विरेचन के कार्य का केवल पूर्व पक्ष है, केवल पहला भाग है, इसका अधिक महत्वपूर्ण तथा भावात्मक पक्ष है इन भावों को कला के माध्यम में ढालकर परिष्कृत तथा स्पष्ट करना। मतलब त्रासदी के दो कार्य हैं, पहला त्रासदी के माध्यम से किसी व्यक्ति में करुणा और त्रास को जगाकर उसका विरेचन कर देना, यह पहला भाग है। दूसरा, इनको करुणा और त्रास की जो भावना है उसे कलात्मक रूप में ढालकर उसे और भी परिष्कृत कर देना, स्पष्ट कर देना, मतलब जो करुणा है, जो त्रास है, जो पीड़ा है, संतरास है, इसको कला के माध्यम में ढालकर इसको परिष्कृत कर देना, शुद्ध कर देना, स्पष्ट कर देना। अर्थात विरेचन का प्रमुख कार्य
कला की सिद्धि से जुड़ा हुआ है, कला की पूर्णता से जुड़ा हुआ है। भावक भक्त प्रेमी पर उसका प्रभाव, उसकी भूमिका या अनुषंग गहन संबंध मात्र है। मतलब विरेचन का मुख्य कार्य है कला को पूर्णता प्रदान करना, और कला और जो दर्शक है या प्रेक्षक है उस पर जो पड़ने वाला प्रभाव है वह उसके वह उसे जुड़ा हुआ है। मतलब यह गौण है, प्रमुख नहीं है। प्रमुख कार्य क्या है? उसका प्रमुख कार्य है उसका परिष्कृत रूप में ढाल देना, कला को पूर्णता प्रदान करना। और इसका दूसरा कार्य क्या है, जो गौण कार्य है, वह है इसका प्रभाव दर्शक या प्रेक्षक पर क्या प्रभाव पड़ा। चौथा, संरचना पर व्याख्या में क्या कहा गया? संरचनावादी साहित्य दृष्टि का मत है कि साहित्य सिद्धांतों या किसी कृति की व्यवहारिक समीक्षा, इनमें कृति से बाह्य तत्वों को पूरी तरह बहिष्कार होना चाहिए और इन्हें पूरी तरह विधा या कृति की संरचना पर ही केंद्रित करना चाहिए, रहना चाहिए। संरचनापरक व्याख्या में यह कहा गया है कि किसी कृति का किसी व्यक्ति पर, दर्शक पर, प्रेक्षक पर क्या प्रभाव पड़ा, इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उस कृति का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी रचना कैसी है, उसकी शैली कैसी है, भाषा कैसी है, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। विरेचन के संदर्भ में भी इस दृष्टि ने दर्शक पाठक पर पड़ने वाले प्रभाव को चर्चा के क्षेत्र से बाहर माना है, क्योंकि इसका संबंध संरचना से नहीं है। मतलब जो संरचना परक व्याख्या है यह दर्शकों पर, प्रेक्षक पर क्या प्रभाव पड़ता है इस पर जोर नहीं देता, बल्कि उस कृति की संरचना पर जोर देता है, है ना, कि उसकी संरचना कैसी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, रूप कैसा है, शैली कैसा है, भाषा शैली। पिछली चर्चाओं में विरेचन को जिस प्रकार शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान से जोड़ा गया था, इसे भी इन्होंने नकारा। इनका कहना है कि विरेचन का संबंध जो, मतलब साहित्य में जो विरेचन का संबंध है, वह शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान से पूरी तरह से अलग है। इनके अनुसार विरेचन पूर्णतः कला परक अवधारणा है और इसका संबंध त्रासदी की संरचना से है। तो इनका मानना यह है कि जो संरचनावादी संरचनापरक व्याख्या के अंतर्गत यह कहा गया है कि विरेचन पूर्णतः एक कला परक अवधारणा है, साहित्यिक अवधारणा है, और इसका संबंध ट्रेजडी के स्ट्रक्चर से है, त्रासदी की संरचना से है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है उससे नहीं है। अब हम देखेंगे कि प्रसिद्ध विद्वान गोल्डस्टीन ने इसे संरचना से कैसे जोड़ा है। संरचनापरक जो व्याख्याकार हैं वे हैं गोल्डस्टीन। इन्होंने करुणा और आतंक को दर्शकों पर प्रभाव डालने वाले भावों के रूप में नहीं बल्कि त्रासदी की सामग्री के रूप में देखा है। मतलब त्रासदी की सामग्री क्या है? करुणा और त्रास है, उसके अंदर की सामग्री है। जीवन में भाव त्रासदायक हैं किंतु त्रासदी में ये भी ग्राह्य हो जाते हैं, अर्थात ये दुख के दंश से मुक्त हो जाते हैं। इनका यह मानना है कि जीवन में करुणा और दुख और त्रासदी तो है, ये भाव बहुत ही त्रासदायक दुखदायक हैं, लेकिन ये वास्तव में त्रासदी के अंदर के हिस्से हैं, त्रासदी के संरचना के हिस्से हैं, ट्रेजडी के संरचना के हिस्से हैं, और जिसके कारण ये दुख से मुक्त हो जाते हैं। मतलब जो त्रासदी के अंदर में जो करुणा और त्रास है वही दंश से मुक्त होता है। यह कैसे होता है? इनके मतानुसार यह विरेचन की प्रक्रिया द्वारा होता है, अर्थात इनके मत में विरेचन दर्शक के मन को त्रास से मुक्त करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि त्रासदी के अंदर ही करुणा तथा त्रास के भावों को कष्ट देने की प्रवृत्ति से मुक्त करने की प्रक्रिया है। इस मत के अनुसार करुणा तथा त्रास त्रासदी की सामग्री है। इनका मानना यह है कि जो करुणा या त्रास है वह त्रासदी अर्थात ट्रेजडी के संरचना की का हिस्सा है, है ना। यह दर्शक के मन को करुणा या त्रास से मुक्त करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि स्वयं जो त्रासदी है उसके अंदर में जो करुणा और त्रास है उसको दूर करने की प्रक्रिया है यह विरेचन। त्रासदीकारी सामग्री में से कुछ अंश छोड़ता है और कुछ अंश चुनता है, और उसका रूप विधान इस प्रकार करता है कि वह कलात्मक सामग्री बन जाती है। मतलब जो त्रासदीकार होता है वह करुणा और त्रास को इस तरह से अभिव्यक्त करता है कि वह एक कलात्मक सामग्री बन जाती है, एक साहित्यिक सामग्री बन जाती है। जिस प्रकार माली पेड़ पौधों को मनमाने ढंग से बड़ी शाखाओं की छटाई अर्थात प्रूनिंग करके उन्हें एक सुंदर संरचित रूप देता है, उसी प्रकार त्रासदीकार भी उपलब्ध सामग्री की काट छांट करके उसे व्यवस्थित और रूपबद्ध करता है, अर्थात त्रासदी के समुचित रूप रचना के लिए सामग्री का समुचित चयन तथा व्यवस्था आवश्यक होती है। यही प्रक्रिया विरेचन है। मतलब इनका क्या कहना है कि जो रचनाकार होता है वह त्रासदी और करुणा को उठाता है आम जिंदगी से और उसे कलात्मक परिपूर्णता प्रदान करता है, बहुत ऊंचाई तक पहुंचाता है, जिससे वे बहुत ही सुंदर दिखाई देने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे माली हमारे पौधों को काट छांट कर सुंदर कर देता है, व्यवस्थित कर देता है, उसी प्रकार जो त्रासदीकार है, जो ट्रेजडी का राइटर है, जो लेखक है, वह उसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, सुंदर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करता है, और यही प्रक्रिया विरेचन है।
मतलब करुणा और त्रास को बहुत ही ऊंचाई तक लेकर जाना जाने की जो प्रक्रिया है यह क्या है, विरेचन है। अन्य मतों के अनुसार विरेचन का अर्थ मूलतः प्रेक्षकों की मानसिक शुद्धि और दंश मुक्ति रहा है। संरचनापरक व्याख्या में विरेचन का अर्थ नाट्य सामग्री की शुद्धि तथा दंश मुक्ति है। अन्य जितने भी मत हैं वे बताते हैं कि प्रेक्षक या दर्शक है उनका मन शुद्ध हो जाता है, उनके मन में जो करुणा और पीड़ा है वह दूर हो जाता है, तो उसको उन्होंने मानसिक व्यापार माना है। लेकिन यहाँ पर संरचना में परक व्याख्या में यह कहा गया है कि जो नाट्य सामग्री है उसमें जो करुणा या त्रास है वह दूर हो जाता है, नाट्य सामग्री के अंदर से दूर होता है। यह नाटक की संरचना में सहायक प्रक्रिया है क्योंकि उपयुक्त तथा व्यवस्थित सामग्री प्राप्त होने पर ही उसे उपयुक्त संरचना में ढाला जा सकता है। मतलब यह प्रक्रिया जैसे हमने मालिक का उदाहरण दिया है ऊपर में, ठीक इसी प्रकार आम जिंदगी से करुणा और त्रास को उठाकर जब त्रासदी के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है तब उसके त्रासदी के अंदर में जो करुणा और त्रास है वह पूरी तरह से दूर हो जाता है, दंश मुक्त हो जाता है और वह हमको बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है, और यही विरेचन का मुख्य कार्य है। इस मत की आलोचना में भी यही कहा जा सकता है कि अरस्तु के कथनों में इस प्रकार त्रासद भावों के अपने आप में दंश मुक्त हो जाने के बारे में कोई संकेत नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त उस युग में दर्शक पर पड़ने वाले प्रभाव को नकारने की प्रवृत्ति नहीं थी। धार्मिक रागों के संदर्भ में अरस्तु ने स्पष्ट ही भोक्ता अर्थात संगीत के श्रोता के विकारों के शमन की बात कही थी। यह मानने का कोई कारण नहीं कि त्रासदी के संदर्भ में उन्होंने श्रोता की भूमिका को परे करके नाट्य सामग्री के विरचन की बात सोची हो। मतलब यही बात हमको अरस्तु के विवेचन में भी मिलता है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि त्रासद भाव अपने आप में दूर हो जाते हैं तो ये होता है विरेचन होता है, दर्शक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको नकारने की प्रवृत्ति भले ही उस समय नहीं थी, लेकिन वास्तव में उन्होंने मुख्य रूप से धार्मिक श्रोताओं के संबंध में बात की है कि जब धार्मिक संगीत सुनाया जाता है श्रोताओं को तब उनके मन के विकारों का शमन हो जाता है। उन्होंने त्रासदी के संदर्भ में उन्होंने श्रोता की भूमिका को परे करके नाट्य सामग्री के विरेचन की बात सोची होगी। मतलब यह स्पष्ट व्याख्या उन्होंने नहीं की है तो लोगों का यह सोचना है कि त्रासदी के संदर्भ में भी उन्होंने श्रोता की भूमिका को दूर करके नाट्य सामग्री के विरेचन की बात सोची होगी। यह सिर्फ अनुमान है कि वे यह सोचे होंगे कि संगीत का क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पर, इसके आधार पर उन्होंने विरेचन की व्याख्या की होगी, या फिर नाटक के जो अंदर में जो त्रास और करुणा है वो दूर हो जाते हैं, नाट्य सामग्री का विरेचन हो जाता होगा, यह उन्होंने सोचा होगा, यह अनुमान लगाया गया है। वस्तुतः जैसा कि पहले बताया जा चुका है अरस्तु द्वारा विरेचन का उल्लेख केवल दो स्थानों पर मिलता है। उनके द्वारा प्रणीत या निर्मित अन्य सामग्री का भी बहुत ही कम अंश आज उपलब्ध है, इसलिए उस सामग्री के आधार पर भी प्रमाणिक तौर पर यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि अरस्तु का अभिप्राय वास्तव में क्या है। अरस्तु ने केवल दो ही स्थानों पर कैथारसिस या विरेचन शब्द का उल्लेख किया है, एक त्रासदी की परिभाषा देते समय और दूसरा संगीत का हम पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करते समय, इसलिए स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनका अभिप्राय वास्तव में क्या था। वस्तुतः जैसा कि पहले बताया जा चुका है अरस्तु द्वारा विरेचन का उल्लेख केवल दो स्थानों पर मिलता है, उनके द्वारा प्रणीत निर्मित अन्य सामग्री का भी बहुत कम अंश उपलब्ध है, इसलिए उस सामग्री के आधार पर भी प्रमाणिक तौर पर यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि अरस्तु का अभिप्राय वास्तव में क्या था। अरस्तु क्या कहना चाहते थे इस संबंध में ज्यादा सामग्री उपलब्ध नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से कुछ कहना मुमकिन नहीं है। अब त्रासदी का सुखद प्रभाव, त्रासदी मतलब ट्रेजडी का सुखद प्रभाव कैसे पड़ता है यह भी इसी का हिस्सा है, देखते हैं। विरेचन संबंधी चर्चा से स्पष्ट हो चुका है कि त्रासदी हालांकि दुखद स्थितियों का चित्रण करती है किंतु उसका अंतिम प्रभाव सुखद होता है। यह आवश्यक भी है क्योंकि मानव स्वभाव से ही दुख से मुक्त रहना और सुख पाना चाहता है, ऐसे में यदि त्रासदी उस पर दुखद प्रभाव डालेगी तो वह उसे देखने जाएगा ही क्यों। मतलब विरेचन संबंधी व्याख्या से स्पष्ट हो गया है कि जब कोई व्यक्ति त्रासदी देखने जाता है तो उसको पता होता है कि मैं बहुत ही करुणा और दुखद चीज को देखने जा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में मनुष्य हमेशा सुखी रहना चाहता है, तो वह देखने क्यों जाता है। वह देखने इसलिए जाता है क्योंकि ट्रेजेडी को देखने पर वह उसके जो नायक है उसके जीवन में जो दुख है जो करुणा है उससे वह तादाद में स्थापित करता है, उसके साथ साधारणीकरण करता है, और उसको देखने के पश्चात उसके करुणा और त्रास की जो भावना है उसके मन में उसका शमन हो जाता है, शांत हो जाता है। व्यवहारिक अनुभव भी दिखलाते हैं कि जीवन में जो स्थितियां दुखद होती हैं साहित्य में उनकी अभिव्यक्ति भावकों को एक प्रकार का आनंद देती है। आइए देखें कि त्रासदी में ऐसा क्यों और कैसे होता है और विरेचन की प्रक्रिया का इससे क्या संबंध होता है। मतलब जैसे जो यथार्थवादी जो फिल्में होती हैं, रियलिस्टिक फिल्में होती हैं,
उसको हम देखने जाते हैं। वास्तव में वही चीजें दिखाती हैं जो हमारी जिंदगी में घटित होती हैं, लेकिन फिर भी हम उसको देखने आते हैं, दुखद होते हैं, क्योंकि कलात्मक जो अभिव्यक्ति होती है, जैसे गोदान का हम पढ़ रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है, पूस की रात है, पूस की रात कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, इसको पढ़ेंगे तो नायक के जीवन में जो दुख है ना, बाद में उसका फसल चौपट हो जाता है तो वह सुखी हो जाता है कि चलो अब मुझे रात में जाकर वहां पर क्या है, फसल की रखवाली करनी नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रकार की भावना है, त्रासदी में ऐसा क्यों होता है ये हम देखते हैं। आप लोगों ने पूस की रात कहानी पढ़ी होगी मुंशी प्रेमचंद की, नहीं पढ़े होंगे तो उसको जरूर पढ़िए, तो आपको इस बात को जो मैं कह रहा हूं उसको भली भांति समझ पाएंगे। पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस संदर्भ में सुख या आनंद से क्या तात्पर्य है, सुख या आनंद का अर्थ क्या है। भाषण कला पर चलते हुए भाषण कला पर चर्चा करते हुए अरस्तु ने सुख को एक ऐसी गति माना है जिसके द्वारा संपूर्ण आत्मा को सचेत रूप से अपने अस्तित्व की प्रकृति स्वाभाविक या सहज अवस्था में लाया जाता है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परंपरा इनके संपादक हैं डॉक्टर सावित्री सिन्हा। अरस्तु सुख को कैसे परिभाषित करते हैं? सुख का तात्पर्य है जिस समय हमारी मानसिक चेतना, हमारा मन बिल्कुल सहज और सरल रूप में होता है। मतलब जो व्यक्ति बहुत ही सरल है, सहज है, जिसके मन में कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है, बिल्कुल सामान्य है, साधारण है, तो वह सुखी है। किसी बात का दबाव नहीं है उसके दिल में, उसके मस्तिष्क में किसी बात की कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई अभाव नहीं है ना, वह ऐसा महसूस कर रहा है कि बहुत ही शांत है, सहज है, सरल है, तो यही सुख है। धार्मिक रागों की चर्चा में अरस्तु ने उनके प्रभाव से आवेश के शमन और विरेचन को एक प्रकार के शुद्धि का अनुभव माना, जिसे व्यक्तियों की आत्मा विशद, निर्मल, शुद्ध और प्रसन्न हो जाती है। अर्थात विरेचन के माध्यम से जो सुख मिलता है वह आत्मा की शुद्धि, विशुद्धता और प्रसन्नता का पर्याय है। यह मन की प्रकृति अवस्था है जिसमें वह आवेश या दुख के दंश से मुक्त होकर संतुलित हो जाता है। यह प्रकृति अवस्था वह है जिसमें दुख, द्वंद, उद्वेग आदि का अभाव है। मतलब अरस्तु का कहना क्या है, सुख क्या है? जब व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का द्वंद ना हो, कोई दबाव ना हो, कोई पीड़ा ना हो, कोई त्रास ना हो, कोई त्रासदी ना हो, तो वह व्यक्ति सुखी है, सहज स्थिति में है, प्रकृति अवस्था में है। और जब उद्दाम संगीत कोई व्यक्ति सुनता है तो उसका मन बहुत ही शुद्ध होता हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। यही क्या है, विरेचन है। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने इसे विरेचन का अभावात्मक पक्ष कहा है। डॉक्टर नगेंद्र इसके अभावात्मक पक्ष कहते हैं, अभाव है इसमें। क्यों अभाव? मतलब इन चीजों का अभाव, दुख का, पीड़ा का, त्रास का, त्रासदी का। अब यह प्रश्न उठता है कि यह क्यों और कैसे होता है। डॉक्टर प्रोफेसर बूचर ने इसके दो कारण सुझाए हैं। पहले कारण को हम भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण की अवधारणा के आलोक में भी देख सकते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में हम साधारणीकरण पढ़ते हैं, मतलब जो कवि की या लेखक की मन की जो भावना है वह दर्शक या प्रेक्षक उसके साथ तादाद में स्थापित कर लेता है, उसको महसूस करता है। त्रासदी में जिस नायक का अपकर्ष, ह्रास या उतार दिखाया जाता है वह व्यक्ति होता है, किंतु उसके दुख उसके अपने दुख नहीं रह जाते। प्रेक्षक की दृष्टि में करुणा तथा त्रास की भावनाएं व्यक्ति तक सीमित न रहकर साधारणीकृत हो जाती हैं और पूरे प्रेक्षक समुदाय की भावनाएं बन जाती है। प्रेक्षक के अपने व्यक्तिगत दुख और त्रास भी इन सार्वभौम भावनाओं से जा मिलते हैं, उसकी संवेदना स्व की सीमा पार करके सर्व में लय हो जाती है। मतलब जब हम त्रासदी देखते हैं तो नायक के जो हृदय में जो दुख है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, उसको प्रेक्षक भी महसूस करता है, उस दुख को, इस पीड़ा को। और जो नायक की जो दुख है, जो पीड़ा है, कष्ट है, त्रास है, त्रासदी है, वह दर्शक भी महसूस करता है, उसके साथ तादाद में स्थापित कर लेता है, साधारणीकृत कर लेता है। मतलब जो दर्शक का जो दुख है वह सबका दुख बन जाता है, या फिर जो नायक का जो दुख है या पीड़ा है वह एकमात्र अकेले व्यक्ति का दुख या पीड़ा ना होकर सभी का दुख या पीड़ा बन जाती है। बूचर के शब्दों में वह अपनी अहम केंद्रितता से ऊपर उठ जाता है और अपने दुख से तुच्छ प्रतीत होने लगते हैं। तो जो दर्शक जो सेल्फ सेंटर्ड होता है, आत्म केंद्रित होता है, तो उसे लगता है कि यह दुख मेरा ही दुख है। लेकिन जब वह ट्रेजेडी देखता है तो उसे लगता है कि नहीं, यह मेरा ही दुख नहीं है, सभी लोगों के मन में यह पीड़ा या दुख विद्यमान है। यह स्थिति उसके मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम होती है। जब उसे लगता है कि पूरी दुनिया में केवल मैं ही दुखी नहीं हूं, केवल मेरे ही जीवन में पीड़ा या कष्ट नहीं है, सभी लोगों के जीवन में दुख या पीड़ा या कष्ट है, तो वह उनके भी पीड़ा को महसूस करता है और अपनी पीड़ा को भी सोचता है कि यह सभी की पीड़ा है, तो यह उसके नैतिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम हो जाता है। मन की यह उदात्तता, श्रेष्ठता, महानता और विशुद्धता उसे शांति और संतोष प्रदान करती है।
तो उसके मन की जो श्रेष्ठता है, महानता है, वह उसे मानसिक शांति प्रदान करती है, उसे संतोष प्राप्त होता है। इस कारण त्रासदी में व्यक्त दुख और त्रास उसके लिए उदात्तता, श्रेष्ठता, महानता जनित सुख का कारण बनते हैं। इसलिए त्रासदी में वह जो दुख देखता है, जो कष्ट देखता है, पीड़ा देखता है, वह उसके लिए क्या होता है? श्रेष्ठता और महानता जनित सुख का कारण बनते हैं। वह अंत में सुखी हो जाता है। बूचर के अनुसार त्रासदी से प्राप्त सुख का दूसरा कारण त्रासदी की कलात्मक प्रक्रिया है। मतलब इतनी कलात्मक ढंग से त्रासदी में दुख और करुणा का व्यक्त किया जाता है कि वह हमारे लिए आनंद का स्रोत बन जाता है। त्रासदी में करुणा तथा त्रास को सामान्य जीवन में उठने वाली भावनाओं की भांति ज्यों क्या त्यों प्रस्तुत नहीं किया जाता, बल्कि बड़े कलात्मक रूप में सामने लाया जाता है। दर्शक पाठक पात्रों के दुख की सहानुभूति में दुख का अनुभव तो करता है, किंतु उसकी प्रस्तुति की कलात्मकता उसे चमत्कृत तथा आनंदित कर देती है। अतः त्रासदी से प्राप्त आनंद कला के आस्वाद का आनंद है। प्रोफेसर बूचर का यह कहना है कि त्रासदी में, ट्रेजडी में, करुणा या त्रास की भावना को इतने उदात्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इतना सुंदर और श्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि वह हमारे आनंद का स्रोत बन जाता है और हमको आनंद प्रदान करता है। इसलिए त्रासदी से जो प्राप्त आनंद है वह वास्तव में कला के आस्वाद का आनंद है। कला की जो रसानुभूति है, जिसको हम महसूस करते हैं, यह उससे प्राप्त होने वाला आनंद है। बूचर के इन दो तर्कों के अलावा त्रासदी के आनंद को एक और दृष्टि से भी समझा जा सकता है। त्रासदी में दुख और करुणा की योजना कारण नहीं होती, मतलब किसी त्रासदी में दुख और करुणा को जानबूझकर नहीं परोसा जाता। इन भावनाओं से आक्रांत होने वाला पात्र हालांकि दुष्ट या कुटिल नहीं होता, किंतु उसकी चारित्रिक त्रुटि या नैतिक चूक ही उसके त्रास का कारण बनती है। त्रासदी में हम देखते हैं, जैसे हम रामायण में देखते हैं, भगवान राम वहां पर जो सोने की जो हिरणी है, उसका स्वर्ण मृग है, उसकी तलाश के लिए जाते हैं। माता सीता उनको भेजती हैं, उनको पकड़ के लाइए। तो यह क्या स्वाभाविक रूप से नहीं उनके जीवन में ट्रेजडी आती है, वह उसका हिस्सा बन जाता है। मतलब इसमें नायक कोई दुष्ट नहीं होता, नायक कोई कुटिल नायक नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके जीवन में दुख आ जाता है। नायक यद्यपि अच्छा व्यक्ति होता है, उसके बावजूद भी उसकी जिंदगी में दुख या त्रासदी आ जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो त्रासदी में दुख या करुणा की जो भावना है ना, वो जबरदस्ती परोसी नहीं जाती, बल्कि वह उसका स्वाभाविक रूप से हिस्सा होता है। और जो नायक की छोटी सी गलती या छोटी सी त्रुटि उसके जीवन में दुख का कारण बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा ईडिपस कॉम्प्लेक्स, मनोविश्लेषण बाद में मैंने आपको बताया ईडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है। उदाहरण के सोफोक्लीज का एक नाटक है ईडिपस रेक्स का उल्लेख किया जा सकता है। इसमें ईडिपस अनजाने में अपने पिता की हत्या करके अपनी माता से विवाह कर लेता है, और यह भूल उसके लिए अत्यंत त्रासद सिद्ध होती है। बाद में वह आत्महत्या कर लेता है। प्रेक्षक त्रासदी में इस प्रकार की भूल तथा उसके दुखद परिणाम को देखता है, तो उसे अनैतिकता की पराजय और प्रकारांतर से अनैतिकता की विजय का संतोष होता है। मतलब भले ही छोटी सी गलती हो गई नायक से, लेकिन वास्तव में जो अनैतिक कृत्य है, अनैतिक कृत्य का उसको दंड मिलता है, अनैतिक कृत्य पराजित होता है और अंत में नैतिकता की विजय होती है। इससे क्या है, दर्शक का मन शांत हो जाता है, वह खुश हो जाता है। उसकी वृत्ति नैतिकता तथा समाज के लिए शुभ एवं मंगलकारी कर्मों की ओर झुकती है। इस शुभ प्रेरणा के कारण त्रासदी दुख के स्थान पर आनंद देती है। मतलब त्रासदी के नाटकों में जो संदेश रहता है वह यह रहता है कि जो नैतिकता की स्थापना की जाती है, तो उसका मन मंगलकारी कृत्यों की ओर झुकता है कि मुझे अच्छा कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करना है, शुभ कर्म करना है, और इसी कारण जो त्रासदी है उसे आनंद प्रदान करती है। ये तमाम तर्क अपनी जगह पर और स्वतंत्र रूप से सही हो सकते हैं, किंतु अरस्तु के उपलब्ध साहित्य में इनमें से किसी की भी पुष्टि नहीं होती और न ही विरोध होता है। अरस्तु ने इसकी व्याख्या इस प्रकार नहीं की है, तो न तो अरस्तु के हिसाब से इनकी पुष्टि की जा सकती है और न ही इसका विरोध किया जा सकता है। विरेचन के बारे में अरस्तु का कथन सिर्फ दो स्थानों पर मिलता है, यह हम देख चुके हैं। त्रासदी के संदर्भ में वे विरेचन को त्रासदी का प्रकार मानते हैं, और धार्मिक रागों के संदर्भ में मन को शुद्ध और शांत करने वाली प्रक्रिया। त्रासदी के संदर्भ में कहते हैं कि विरेचन क्या है, त्रासदी का एक फंक्शन है, त्रासदी का एक कार्य है। और धार्मिक राग में क्या बोलते हैं कि मन को शुद्ध और शांत करने वाली प्रक्रिया है विरेचन। इसे त्रासदी से जोड़कर यह माना जा सकता है कि त्रासदी में भी विरेचन का कार्य ही है, अर्थात मन को शुद्ध करके प्रकृति सहज अवस्था में लाना। अतः हम कह सकते हैं कि त्रासदी के संबंध में भी विरेचन का अर्थ यही है कि मन को शुद्ध करके प्रकृति अवस्था में लाना, सहज अवस्था में लाना। इसे दृष्टि में रखते हुए यह संभव है कि इस कथन के माध्यम से अरस्तु प्लेटो द्वारा काव्य पर लगाए गए आक्षेप का उत्तर दे रहे हों। इस इकाई में बार बार इस बात का उल्लेख हो चुका है कि प्लेटो गणतंत्र से कवि और काव्य का इस आधार पर बहिष्कार कर देने के पक्ष में थे
कि काव्य मानव की क्षुद्र वासनाओं और निम्न स्तर की प्रवृत्तियों को उत्तेजित कर देता है। मतलब प्लेटो का यह मानना था कि जो काव्य है या नाटक है वह मनुष्य के मन में जो विकृत भावनाएं हैं उनको उत्तेजित कर देता है। लेकिन अरस्तु का कहना है कि जो काव्य या नाटक है या मन में जो हमारी भावनाएं हैं, जो करुणा या त्रास हैं, उनको उत्तेजित भले ही करता है लेकिन उसका शमन करता है, उसको शांत करता है, उनको दूर करता है, उनका विरेचन करता है। इस प्रकार उन्होंने काव्य और नाटक की महत्ता स्थापित की है और अपने गुरु से वो पूरी तरह से विपरीत दिशा में चले गए हैं। विरेचन के तत्व का प्रतिपादन करते हुए अरस्तु संभवतः यह दिखाना चाहते होंगे कि काव्य या त्रावधि दुखद तथा उद्वेगकारी भावों को उत्तेजित करके उनका शमन कर देता है और विरेचन की प्रक्रिया द्वारा धार्मिक संगीत की भांति चित्त को शांत तथा शुद्ध कर देता है। इस प्रकार यह समाज के मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ता नहीं बल्कि बनाता है। प्लेटो का कहना था कि काव्य त्रासदी मनुष्य को क्या करता है, बिगाड़ता है, पतन की ओर अग्रसर करता है, यह प्लेटो का कहना था। लेकिन अरस्तु का कहना क्या है कि विरेचन के माध्यम से, मतलब त्रासदी में जो विरेचन होता है और जो धार्मिक संगीत में जो विरेचन होता है उसके माध्यम से व्यक्ति की बुराइयां दूर होती हैं, उनके मनोविकार दूर होते हैं, व्यक्ति सहज और शांत हो जाता है और उचित जीवन मूल्यों की ओर अग्रसर होता है। उसका पतन नहीं होता बल्कि वह श्रेष्ठ बनता जाता है। मानसिक स्वास्थ्य को यह बिगाड़ता नहीं है बल्कि यह बनाता है। अब हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष लिखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन। इस प्रकार अरस्तु के विरेचन सिद्धांत का अध्ययन और इसकी व्याख्या की जा सकती है। अतः अंत में यह स्पष्ट हो जाता है कि विरेचन चिकित्सा शास्त्र का शब्द है और इसका प्रयोग रेचक औषधियां देकर शरीर को विकार मुक्त और स्वस्थ करने के अर्थ में होता है। मतलब विरेचन जो शब्द है, कैथार्सिस जो शब्द है, वह मेडिकल साइंस का शब्द है, चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। जिस प्रकार हम रेचक औषधियों के द्वारा शरीर को शुद्ध करते हैं, शरीर की बीमारियों को दूर करते हैं, विकारों को दूर करते हैं, उसी प्रकार त्रासदी और संगीत में हम विरेचन के माध्यम से मनोविकारों को दूर करते हैं, मन को शांत करते हैं। अरस्तु ने इसका प्रयोग किस अर्थ में किया है इसका स्पष्टीकरण स्वयं उनके शब्दों में नहीं मिलता क्योंकि उनका बहुत सा साहित्य लुप्त हो चुका है। अरस्तु ने विरेचन शब्द का प्रयोग किस दृष्टिकोण से किया है, किस अर्थ में किया है, यह उन्होंने स्वयं इसकी व्याख्या नहीं की है क्योंकि उनका बहुत सारा साहित्य लुप्त हो चुका है, उपलब्ध नहीं है। इस शब्द का प्रयोग अरस्तु के उपलब्ध साहित्य में दो स्थानों पर मिलता है। एक त्रासदी की परिभाषा में, जहां उन्होंने त्रासदी का प्रमुख प्रकार मानते हुए इसका नामोल्लेख भर किया है। त्रासदी की परिभाषा देते हुए उन्होंने सिर्फ विरेचन का उल्लेख बस किया है, नाम का कुछ बताया नहीं है। और दो धार्मिक रागों के संदर्भ में, जहां उन्होंने कहा है कि इन रागों के प्रभाव से श्रोता के मन में उमड़ते करुणा और त्रास के प्रबल भाव शांत हो जाते हैं, मानो उनके आवेश का शमन और विरेचन हो गया है। मतलब धार्मिक रागों का हम पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी जब व्याख्या कर रहे थे तो उन्होंने यह कहा है कि धार्मिक रागों के प्रभाव से मनुष्य के हृदय में जो करुणा या त्रास के जो भाव हैं उनका शमन हो जाता है, वे शांत हो जाते हैं, उनका विरेचन हो जाता है, आवेश का विरोचन हो जाता है। इसे माना जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी विरेचन का अर्थ त्रासदी या संगीत के प्रभाव से मन के विकारों से मुक्ति तथा शुद्धि ही मानते थे। संभवतः वे भी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते थे और वे सोचते थे कि त्रासदी या फिर संगीत के प्रभाव से मनोविकारों का विरोचन हो जाता है। इसके बाद विभिन्न विद्वानों द्वारा विरेचन सिद्धांत की प्रमुख व्याख्याओं का उल्लेख भी हमने ऊपर किया हुआ है कि विभिन्न मतावलंबी विभिन्न विद्वानों ने अपने मत के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार किस प्रकार से विरेचन सिद्धांत की व्याख्या की है। भिन्न भिन्न दृष्टियों से प्रेरित इन व्याख्याओं को धर्मपरक, नीतिपरक, कलापरक और संरचनापरक व्याख्याएं कहा जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने धर्मपरक ढंग से, नीतिपरक ढंग से, कलापरक ढंग से और संरचनापरक ढंग से इनकी व्याख्या की है। तो इस प्रकार आपने अरस्तु के विरेचन सिद्धांत को भली भांति समझ गया होगा और किसी भी परीक्षा में जब यह प्रश्न आता है तो इन सभी बिंदुओं को अवश्य शामिल करें। और यदि मेरा यह आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।